तो जब लॉकडाउन लगा, जब से अब आए आप लोग, चेकअप करा के नहीं है? वहाँ नहीं भैया, नहीं हुआ है। और सुना आपने, लेकिन विस्तार से हम आपको सुनवाएंगे। आजकल मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर जो देख रहे हैं आप, वो तो सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बता दें, जहां कोरोना का टेस्ट होता है, हेल्थ विभाग की टीम जहां बैठी रहती है, ये देखिए, यहां परिवार आया है सोनीपत से, जो के रहने वाले परला सिकंदरपुर के हैं और थाना रोजा का। ये लोग वहां पथेरे थे, भट्टे के ऊपर ईंटे पाते थे, आपको बता दें। और उसके बाद में सोनीपत के रहने वाले हैं। आज सुबह 6 बजे ये लोग सारे लोग इकट्ठा होकर आ गए, और आने के बाद कोरोना, जहां टेस्ट होता है कोरोना का, जहां जांच होती है, बाखूबी आप देख रहे हैं, लंबी चौड़ी तादाद में ये लोग हैं। और हमने पूछा भी, आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि सोनीपत से यूपी शाहजहांपुर में ये लोग चले आए, लेकिन वहां से किसी ने इनका हेल्थ चेकअप नहीं करा। जब हमने इनसे पूछा तो इन बेचारों ने बताया कि भैया, हमारा किसी ने चेकअप नहीं करा। हालांकि हमने ये भी पूछा, कितने समय से वहां हो, तो कहने लगे हम 9 महीने से अब आए, लगभग 8-9 महीने के बाद आए, लॉकडाउन जो लगा था उससे पहले से ही वहां आए, लेकिन मालिक ने आने नहीं दिया। लेकिन नजारा बाखूबी आप देख लीजिए, ये सारे लोग थाना रोजा के ग्राम परला सिकंदरपुर के हैं। और हम विस्तार से आपको सुनवाते हैं कि ये बेचारे पथेरे कहां से कहां चले आए, लेकिन हेल्थ चेकअप के नाम पर किसी ने इन्हें नहीं पूछा, और आखिरकार शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में आके पहले हेल्थ चेकअप कराया सुबह 6 बजे, और उसके बाद अपने गांव पलड़ा सिकंदरपुर थाना रोजा में जाके एंट्री की। हम लोग हरियाणा से आए। कहां से आए? बस से। बस से? बस में कहां उतारा? नहीं, उतार दिया, उधर सड़क पर चला गया। तो जब हरियाणा से आए तो वहाँ आपको ये चेकअप करा के नहीं आए? हाँ, सोनीपत से। सोनीपत से चेकअप करा के नहीं आए? वहाँ नहीं भैया, नहीं हुआ है। इधर है बताई प्रधान जी ने। अच्छा, आप कौन गांव के रहने वाले हो? पड़ा सिकंदरपुर फकरगंज वो गुर्री के पास। गुर्री के पास? तो पहले घर पे गए थे क्या? नहीं, सीधे यही है। चौकी पर उतरे, वहाँ से आ रहे। आप भी वहीं से आए सब लोग? सारे, हाँ सारे, हाँ। एक ही जगह, एक भट्टे पे थे। तो हरियाणा में क्या काम करते थे आप? सोनीपत भट्टे पे थे। भट्टे पे ये सारे परिवार के लोग हैं? हाँ। तो सब सिकंदरपुर के? हाँ, पटना सिकंदरपुर। और थाना कौन सा है? थाना रोजा, फकरगंज लगता है पटना सिकंदरपुर में। एक बात बताओ, जब तुम सोनीपत से आए तो वहाँ किसी डॉक्टर ने या कहीं चेकअप नहीं हुआ आपका? नहीं, कहीं नहीं हुआ। नहीं। कितने दिनों के बाद आ रहे हो आप लोग? हम आए थे 8 महीने बाद। 8 महीने? अब कल हम लोग 7 बजे वहाँ से चले थे। अच्छा, 8 महीने से पहले जो लॉकडाउन लगा, जब ही से वहीं हो आप लोग? तब हुआ तो हाँ, वहीं से। तो क्या किसी ने आने नहीं दिया या खुद नहीं आए? आने नहीं दे, लॉकडाउन जब खुला तब सब पड़ला सिकंदरपुर के। हाँ जी सर। आप कहाँ से आई? सब एक ही? तो ये लंबा पर बड़ा सोनीपत, ये सब एक ही परिवार के हैं? ये जितने लोग खड़े हैं सब वहीं के? तो वहाँ क्या काम करते थे आप लोग? हालांकि आपको बता दें कि लंबा चौड़ा काफिला देख के हमने पूछा कि आखिर वहाँ क्या काम करते थे सब लोग? क्या काम करते थे? पथेर। अच्छा, भट्टे पे थे। तो वहाँ से जब आप लोग चले तो किसी डॉक्टर ने या कोई कहीं कोई कहीं कोई चेकअप नहीं किया? कोई चेकअप नहीं। बस से आए आप लोग? तो वहाँ घर पे उतरे होंगे? ये तो कोई घर पे नहीं, रास्ते हम बड़े मोड़ उतर लिए, ले लो घूमने वहाँ तक। हम बड़े मोड़ इधर ले आए, जो भी समय उसका था वो लगा दिया अपने। सारे लोग पड़ला सिकंदरपुर के? हालांकि आपको बता दें कि लॉकडाउन से पहले लगभग 9 महीने से ये प्रवासी मजदूर वहीं थे, लेकिन अब सोनीपत से आए हैं अपने ग्राम पलड़ा सिकंदरपुर थाना रोजा में। कहां से? सोनीपत में। शाम को चलने, हमें तो वहां अंधा हो गया। 9 महीना? 9 महीने। तो जब लॉकडाउन लगा, जब से अब आए आप लोग, से तो शुरू में क्यों नहीं आए?
शुरू में क्यों नहीं आए? उस वक्त आने के टाइम में इसकी सीजन वाला लास्ट हुआ, काम खत्म हुआ था। अच्छा, मालिक ने नहीं आने दिया? हाँ।